चलिए आगे अब 111 नंबर श्लोक उसकी उत्थानी का आगे अब तब आराधना का स्वरूप का अनुक्रम के अर्थि दुर्लभ इत्यादि सूत्र गए क्या कह रहे हैं आगे अब तप आराधना का स्वरूप का अनुक्रम तप आराधना के स्वरूप का क्या क्रम है उस तप आराधना के स्वरूप का क्रम बताने के लिए दुर्लभ इत्यादि सूत्र कहते हैं कह रहे हैं तप आराधना के स्वरूप के अनुक्रम मतलब तप आराधना के स्वरूप का क्रम क्या है उस तप आराधना के स्वरूप का क्रम आदि बताने के लिए तप आराधना की दुर्लभता तप आराधना के स्वरूप के अनुक्रम मतलब उसकी प्राप्ति का क्रम उस प्राप्ति के क्रम के हेतु उसकी दुर्लभता इत्यादि कहे हैं दुर्लभम शुद्धम दुर्लभम दुर्लभ दुर्लभम शुद्धम मक्षुक मविदित स्मृति समय मल्प परमायु मानुष्य मिहेव तपो मुक्तिस्तप सेव तत तप कार्यम नमः समय साराय दुर्लभम दुर्लभम शुद्धम दुर्लभम शुद्ध मक्षुक्म मक्षुक्म विदित स्मृति समय मल्प परमायु मानुष्य मिहेव तपो मुक्तिस्तप सेव तत तप कार्यम कहने देखो दुर्लभम दुर्लभम मैंने एक तो मनुष्य पर्याय है सो दुर्लभ है और कैसी अशुद्धम अशुद्ध है और अब सुख सुख से रहित है अविदित मृति समय अविदित मृति समयम मरने का समय अपने को विदित नहीं है मालूम नहीं है और अल्प आयु अल्प अल्प परम आयु और जो उत्कृष्ट आयु है परम माने उत्कृष्ट आयु भी कैसी है अल्प है कितने क्या क्या पॉइंट बताए ये मनुष्य पर्याय है वो कैसी है सबसे पहला दुर्लभ है दूसरी अशुद्ध है इसमें कुछ भी शुद्धता वाली कोई चीज नहीं है शरीर अपवित्र है अशुद्ध है और सुख से रहित है यहाँ कोई सुख नहीं है क्लेश ही क्लेश शरीर मतलब जिंदगी जीने के लिए लोग बहुत क्लेश करते हैं जिंदा रहने के लिए कितने विकल्प कितने संकल्प विकल्प आकुलता व्याकुलता क्यों दुख भोग रहे हैं क्या करें लोग कितने सब क्या करें आपकी पेट का सवाल जिंदगी की जीने का सवाल है अब वो है कि नहीं वो अलग बात है लेकिन वास्तव में ये कोई यहाँ पर विषय सुख की भी प्रचुरता नहीं है सुख रही नहीं है अवस्था क्योंकि यहाँ बहुत काल तो हमको विषयों की सामग्री जोड़ने में लग जाता है क्या हम बहुत काल तो हम यहाँ पे चीजों को मैनेज करने में लगे रहते हैं व्यवस्थित करने में वो तो व्यवस्थितता तो हो ही नहीं पाती कभी व्यवस्थित ही करते रह जाते सुख से रहित है और एक तो इसमें कि अपने को ये मालूम नहीं रोज अपने को आकुलता रहती है कि अपने को ये मालूम नहीं कि अपन कब चले जाए मृत्यु का समय अपने को विदित नहीं है अपनी सारी प्लानिंग उसी हिसाब से तो है अपने को ये मालूम अभी 10 दिन की आयु है तो अपन आज ही सारी चीज छोड़ अपने मालूम नहीं अपने को लग रहा अपन 100 साल जिएंगे तो अपन सारी प्लानिंग 100 साल के हिसाब से करते मैंने हमें मृत्यु का समय भी विदित नहीं है और हमारी जो उत्कृष्ट भी आयु यदि देख लो वो भी कोई बहुत बड़ी थी है बहुत छोटी आयु आज का आदमी भी 100 साल भी जी ले तो कोई बहुत बड़ी आयु भी हो गई उसकी 100 साल में 50-60 साल तो कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलते तो बच्चे कितनी 50-60 के बाद 50 साल तो अपने को कई लोगों को मैं क्लास में कहता हूँ भैया
50 के टिकट तो पहुंच ही रहे हो, अब कितना बचा है देख लो खुद ही, अपने कितने अब हमारे पास क्षण कितने बचे हैं, कितनी घड़िया बची है, अब गिनती के समय बचे हैं, कर लिया सो कर लिया, बाकी अब अपने रवाना होने के तैयारी है। अरे अब हम 50 के हो गए मतलब हमारे समझ लो कि अब हमारी रिवर्स साइकिल चल रही है, जितने एक एक दिन हमारे लिए बहुत कीमती है क्योंकि वो एक एक दिन अब जो है निरंतर रिवर्स साइकिल के रूप में एक एक दिन घटते 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 और वो सारे दिन खत्म करके और अब हमारी मृत्यु के मुख में मतलब पर हो जाने की तैयारी। ये जीव एक गांव जाने की इतनी तैयारी करता है, नाश्ता ले जाएगा, खाना ले जाएगा, है वहां पे फोन कर देगा मैं आ रहा हूँ, बराबर नाश्ता रखना, यहाँ से जाएगा तो नाश्ता ले जाएगा, क्या जाएगा वो नहीं फोन करेगा, और सुबह 5 बजे गाड़ी पहुंच जाती है तो भी नाश्ते की खाने की सब व्यवस्था है। क्या हमारे परिचित थे तो वो शिखर जी की यात्रा पे गए, तो शिखर जी की यात्रा में गाड़ी में ही सब व्यवस्था चले, गाड़ी में व्यवस्था तो समझ में आती ठीक है भैया इतनी है इतनी, तो भी एक जने को सागर में भी फोन कर रखा कि सुबह सुबह चाय ले जाए, ठीक है इसको कितना रखा बोलो, कभी गाड़ी में कुछ व्यवस्था में कमी हो यार, जब चाय का प्रेमी है गाड़ी में चाय नहीं मिले तो वहां भी एक चाय की व्यवस्था कर रखी है, एक को के भी मतलब उसको के भी रखा है कि भैया तू भी आ जाना, अब मैंने कहा ये चाय देने आएगा तो इसकी चाय का क्या करोगे, अरे पंडित जी आपका चिंता करते हो आप डबल भी पी लेगा क्योंकि लोग तो पी लेंगे क्या, और सचमुच ऐसी बात हुई लोगों को फिर नहीं नहीं बोले ये ज्यादा गर्म है पिछली बार थोड़ी ठंडी थी तो वो गर्म वाली भी पीने को तैयार हो गया मतलब क्या स्थिति है कि हमारे को एक जरा सी भी जगह का, बल्कि मैंने देखा बाहर जाकर लोगों को उनकी आदतें और ज्यादा मतलब लोगों को ये समझते कि और तो हर चीज जो है उनको रोज की डाइट में कोई चीज छोड़ भी दे चाय दूध, लेकिन जब बाहर जाएगा तो कुछ नहीं छोड़ूंगा, उसी उल्टी सोच है, यात्रा त्याग हेतु होती है, लेकिन अपनी ये स्थिति हो रही है कि हम यात्रा को भोग हेतु बता रहे हैं। मानुष्यम ई, मानुष्यम मने मनुष्य पदा, ई मने श्लोक में एव, एव मने ही, तपो मुक्तिता, तप से मुक्ति होए, तपसा एव तपा कार्य, तप से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं, मानुष्यम ई एव तपो, ई मने श्लोक में मनुष्य भाव में तपा, तप की प्राप्ति का हो सकती है, एक केवल मनुष्य पर्याय भी हो सकती है, और मुक्ति तपसा है, और मुक्ति तप से ही है, इसलिए तत तत माने इसलिए तपा कार्य, तप जो है तुम्हारे लिए कार्य है, क्या मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, अपवित्र है, सुख से इंद्रिय विषयों के सुख से रहित है, पढ़ने का कोई ठिकाना नहीं है, और आयु अत्यंत उत्कृष्ट आयु की अल्प है, और मनुष्य भाव में ही तप हो सकता है और तब से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए जो मुक्ति के चाहने वाले हैं उनके लिए तब ही एकमात्र कर्तव्य है, करने योग्य है, कितना सरल है श्लोक, मनुष्य पर्याय है सो दुर्लभ है, अपवित्र है, सुख रहित है, मरण समय जाकर न जानी ऐसा है, और उत्कृष्ट आयु भी जाकर अल्प है ऐसा है, बौरी तप है, सो इस मनुष्य पर्याय विषय ही बोलो, मनुष्य पर्याय ऐसी होने पर भी सारी उपलब्धि इसी नहीं होती, छाई सम्यक की प्राप्ति होना हो यही होगी, छठा सातवा गुण स्थान यही होगा, जीव के छाई का अभाव यही होगा, मतलब बड़े ज्ञान यही होगा, सामयिक छेदों पर स्थापना पर्याय शुद्ध सुख यथाख्यात यही होंगे, सर्वावधि परमावधि ज्ञान यही होगा, 64 ऋद्धियां यही प्रकट होगी, आचार उपाध्याय साधु यही बनेंगे, अनंत सिद्ध भी यही से बनेंगे, देश मतलब सब कुछ काम जो है ना वो यही होगी, चुल्लक अलग यही बन, मनुष्य पर्याय से संसार का अभाव होता है, मुक्ति की प्राप्ति मनुष्य पर्याय से संभव है और किसी पर्याय से संभव नहीं, उत्कृष्ट तपश्चरण का आचरण वो यही संभव है, 12 प्रकार के तप का आचरण
स्वाध्याय संयम तप दान ये सब चीजें यही संभव होती है। अनशन आदि जो भारत का आचरण है वो केवल मनुष्य भाव से ही संभव है और अन्य किसी पर्याय में संभव नहीं है। देवों को जब भूख लगती अपने आप से अमृत झड़ जाता है, वो उपवास नहीं कर सकते, एक समय की भी भूख बर्दाश्त नहीं होती, भूख लगते ही कंठ से अमृत झड़ जाता है। नारकी तो बेचारे भूख से ही चिल्लाते रहते हैं लेकिन वो करे क्या, उपवास उपवास तो क्या, वो तो खाना निरंतर भूखे है मर रहे हैं, खाने की इच्छा निरंतर है लेकिन खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं। और त्रियंश जो है वो भी भूखे, तो त्रियंश में भी ये स्थिति है कि भूख के मारे एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं, उनको उपवास की कोई संभाव नहीं। एक मनुष्य पर्याय ऐसी है जिसमें व्यक्ति बुद्धिपूर्वक समय से चार प्रकार के आहार का त्याग करता है, नीरस भोजन करता है, स्वयं बुद्धिपूर्वक आहार आदि को छोड़ता है, ये और किसी पर्याय में संभव ही नहीं, और किसी पर्याय में जीव करता ही नहीं, वो करता हो नारकी कोई उपवास नहीं कर रहा है, देव के उपवास संभव ही नहीं है, और त्रियंश भी कोई उपवास नहीं कर रहा, त्रियंश तो बल्कि एक दूसरे को खाने को तैयार रहे। तो ऐसी स्थिति के अंदर तप हो तो हो कहाँ, इसलिए उन्होंने कहा कि तप केवल मनुष्य पर्याय में ही संभव है, बौरी मुक्ति है तो तप ही करी हो, मुक्ति का कारण कौन है, केवल तप है, मुक्ति कैसे हो तप, किसान बाहुबली लोग है वो आदिनाथ भरत चक्रवर्ती ने कौन सा तप किया, किया कि नहीं किया, तप मुक्ति तप के द्वारा ही होगी, लेकिन बाहु भरत चक्रवर्ती थे ना, बिना तप किए मुक्ति हुई कि नहीं हुई, कोई तप किया था उनने, किया था ध्यान नाम का तप किया था, ध्यान नाम तप अंतर्मुरत उसके द्वारा उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति, अनशन आदमी 6 महीने का भी करे तो भी केवल ज्ञान की गारंटी नहीं। आदिनाथ भगवान का आप आदिनाथ भगवान ने कितने दिनों तक उपवास का नियम दिया था, कितने दिन तक आहार का त्याग किया था, 6 महीने के आहार का त्याग किया था, 6 महीने तक तो उनके आहार के विकल्प ही नहीं थे, 6 महीने के तो 6 महीने का तो उन्होंने उपवास ही धारण किया, 6 महीने का उपवास धारण करने करके उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ। और बाहुबली भगवान ने भरत चक्रवर्ती ने एक अंतर्मुरत ध्यान नाम का तप किया, शुक्ल ध्यान मांडा, उससे केवल ज्ञान हो गया, इससे सिद्धि ये हुई कि भाई ध्यान तप कितना महान है, हमारे चित्त में कौन सा तप महान लगता है, अनशन गुणोदर यही महान लगता है। अब आज ही मैं एक जगह गया था वहां पर, तो उन्होंने एक ही चीज पूछी धर्म के साथ, आप कितनी बार खाना खाते हैं, आप खाना कितनी बार खाते, तो 2 बार खाते हो, उन्होंने कहा 2 बार खाना, 2 बार खाना खाते हो, पानी नीचे पानी पीता हूँ, कितनी बार प्यास लगती पानी पीता हूँ, तो मैं तो एकदम आउटराइट रिजेक्ट हो गया। अब मैंने कहा भैया मतलब तुम्हारे चित्त में और कोई श्रद्धा ज्ञान उसकी भी कोई गलती है कि नहीं है कि बस यही एक गलती है, तो मैंने ये कहा भी थे उनसे, मैंने कहा देखो मेरे को थोड़ा पढ़ना वढ़ना रहता है, तो पढ़ के करना क्या, उपवास ही तो करना है, तो उपवास से नहीं कर लो, पढ़ के उपा पढ़ के ये जानोगे ना कि ये करना है उपवास, तो तुम इतनी लॉन्ग राउट इतनी इनडायरेक्ट रूट और इतना लंबा क्यों अपनाते हो, पहले पढ़ो तुम्हें पढ़ के जानो कि उपवास करना है, इससे अच्छा तो सीधे ही उपवास कर लो। मैंने कहा लेकिन नहीं हो तो, अरे करना तो ही कोई काम कर लो, मैंने कहा मेरी अभी कमजोरी कि मैं अभी इस अनशन आदि तप को जो उत्कृष्ट रीति से धारना चाहिए भी नहीं धार पा रहा, लेकिन मैंने कहा मेरी कमजोरी मैं तो मानता हूँ, तो क्या न मेरे जीवन में अनशन है न कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा तुम्हारा जो श्रद्धा नहीं बैठा हुआ है कि एक अनशन तब भी करने से सब तप हो जाते हैं, तो मैंने कहा ऐसे नहीं है, अनशन बने तो सबसे पहले उत्कृष्ट करो, कोई मना नहीं है, लेकिन किसी से अनशन नहीं बने तो उनोदर करें, तो उनोदर भी नहीं बनता तो रस परित्याग करें, रोज रस का त्याग करके भोजन करें,
अटपटी प्रतिक्रिया लेके भोजन करें। इनमें करने में क्या दिक्कत है? और ये भी नहीं बनते आहार संबंधित, तो अंतरंग तप करें। अंतरंग तप का तो मन का दमन होता है, मन का दमन इंद्रिय दमन से भी श्रेष्ठ का है। इसलिए ये बात नहीं है कि ये यही करो इसी से होगा। चलिए ये हमने जो एक क्राइटेरिया बना रखा है कि कौन कितनी बार खाता है, यदि हम 2 बार खाते हैं तो इसका मतलब कि हमारे जीवन में धर्म प्रवेश भी है, ऐसा नहीं। क्योंकि आहार का त्याग तो हमारे तब होगा जब हमारी आहार की सुबुद्धि टूटेगी, और उसके पहले ठीक है यदि हमने छोड़ने में शक्ति हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं छोड़ना। लेकिन इससे हम जज नहीं कर सकते किसी का कि ये जीव धर्मात्मा है कि नहीं है, क्योंकि 2 समय आहार करके भी कोई सम्यक प्राप्त कर सकता है और 1 समय आहार करके भी उसके कषाय आदि भाव तीव्र हो सकते हैं। इसलिए तप का मतलब केवल उपवास करने का ही नाम समझते हुए, यद्यपि अच्छा तप है, अन्य तपों के लिए सहकारी है। अनशन आदि जब हम करते हैं तो हमारी निद्रा पे विजय पाते हैं, आलस कम होता है, प्रमाद कम होता है, इंद्रिय विषयों पे हम जय पाते हैं, वो सब फायदे हैं क्या? लेकिन तप केवल एक वही नहीं है क्या? तप का मतलब जो हमने समझ रखा है कि तप केवल वही है, तो ऐसा कर देना इतनी आगे सेट इसको। वो कर देना अपना देखो एक बार तो नेक्स्ट फिर एक बार लाइव। हाँ नेक्स्ट एरर क्रिएटिंग लाइव टॉक का एरर नेक्स्ट वन मोर एरर क्रिएटिंग लाइव टॉक का YouTube ऑन करते हाँ ठीक है। चलिए देखो तो मनुष्य पर्याय है सो दुर्लभ है, ये हो गया अपना तप है सो मनुष्य पर्याय। तो तप के बारे में समझा रहा था कि तप जो है ना वो तप केवल अनशन ही नहीं है, तप 12 प्रकार के हैं और इसमें भी ध्यान सबसे उत्कृष्ट तप स्वाध्याय भी तप है। अभी हम तप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इंद्रिय और मन का दमन रूप तप है। बिना मन के दमन के आदमी बैठ नहीं सकता, मन भी दमाता है लोग। मतलब आपको मैंने तो ये तक देखा है कि कई लोगों से शरीर का दमन संभव है लेकिन उनसे मन जो है ना उनका मन नहीं रमता है तो नहीं रमता, और कुछ लोगों का मन रम जाएगा शरीर नहीं दमता। लेकिन मैं उनको इतना बड़ा अपराधी नहीं मानता इसलिए क्योंकि शरीर की समझ तो सामर्थ न हो, और मन को यदि इसमें रमाएगा तो एक दिन शरीर की भी सामर्थ उत्पन्न हो जाएगी। उत्पन्न हो जाएगी मतलब शरीर के जितना यथाशक्ति दमन कर सके करें, धीरे धीरे मन नहीं रमा तो धीरे धीरे आदमी को बोझ लगने लग जाए। कब तक करेगा? मन के बिना रमे, मन की रुचि के बिना कोई भी काम आप कब तक करोगे? शरीर को कष्ट कब तक दोगे? मतलब जो उपवास आदि तप है वो कब तक करोगे? या तो फिर उसका अवलंबन कुछ कषाय आदि प्रयोजन ढूंढो कि अपना जुलूस निकल जाएगा, लोग पार्टी दे देंगे, उस आधार पर या तो आप उपवास करोगे। लेकिन बिना किसी को बताए और सच्चा उपवास यदि आप करते हो तो उसके पहले आपका मन रमना उसमें जरूरी है, मन के अंदर में उसकी
रुचि होना आवश्यक है। तो तप जो है मनुष्य पर्याय में संभव है, बारह प्रकार के तप। बहुरी मुक्ति है सो तप ही करी हो, मुक्ति बिना तप के नहीं होगी। बहु भरत चक्रवर्ती ने भी ध्यान नाम का तप किया तो मुक्ति हुई। ताते मनुष्य पणो पाई तो को तप करना ही होगा। मनुष्य पना पाया तो तेरे को क्या करना योग्य, तप करना योग्य। भावार्थ आत्मा का हित क्या है, मोक्ष। और मोक्ष काय की प्राप्ति से होगा, ताकि प्राप्ति तप बिना रहे, तप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। जाते सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे पूर्वक तप आराधना को आरा दे तो साक्षात मोक्ष मार्ग की होगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे पूर्वक यदि तप की आराधना करेगा तो साक्षात क्या होगा, मोक्ष होगा। बौरी तप है तो मनुष्य पर्याय विषय होए, अन्यत्र भी कहा है और भी अन्य जगह भी कहा है। उत्तम च देव विषय पसत्ता नेरैया तिव्र दुख संतत्ता त्रिया विवेय वेदा बड़वाण धम्म संपत्ति। कितना सरल है, पता सकते सौरभ जी इसका। देव विषय पसत्ता नेरैया तिव्र दुख संतप्ता तिरिया विवेक वेला मणुआ मणुआ मणुयाण दंप संपत्ति। इसका बोलो क्या है, देव विषय सुख में आ सकते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं नारकी नारकी, नेरैया मतलब नारकी, नारी नारकी तीव्र दुख से संतप्त है। विवेक विवेक से बिहला विवेक से रहित है, त्रियंच अज्ञान से युक्त विवेक से रहित है। त्रियंचों में अज्ञान की प्रचुरता है, विवेक रहित है। विवेक बिहला अने विवेक से रहित है, त्रियंच विवेक ज्ञान से रहित है। विवेक ही नहीं उनको क्या हित है, क्या हित है। और नारकी तीव्र दुख से संतप्त है और देव विषय पसंदता देव विषयों में आसक्त है, इसलिए मनुयाणम मनुष्यों को ही धर्म संपत्ति धर्म की संपत्ति प्राप्त होना किसको संभव है, केवल मनुष्यों। देखो देव तो विषयासक्त, अनार की तीव्र दुख करी तपता है मान, और त्रियंज विवेक रहित ताते मनुष्य ही के धर्म की प्राप्ति होए। तो देख लो वास्तविकता है कि तीनों गतियों में धर्म की प्राप्ति दुर्लभ है। एक मनुष्य पर्याय में ऐसा अवसर मिलता हो भी जिसको अवसर मिल जाए और उसमें अपने हित का उपाय करे तो उसके लिए बौरी मनुष्य पर्याय बारंबार हो तो पाया पर्याय विषय तप न किया तो आगे करें। तो मतलब ये पर्याय बार बार हो रही हो, अभी मर जाएंगे फिर मनुष्य पर्याय मिल जाएगी तो ठीक है भैया, इस पर्याय में भोग लिया तो अगला पर्याय फिर मिलेगी, अगली पर्याय में तप कर लेगा। तो कह रहे ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य पर्याय बारंबार मिलती रहा करें तो तू इस पर्याय में तप न करे तो अगले में तप कर ले, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय भी क्या है, दुर्लभ है। क्या बहुरी मनुष्य पर्याय बारंबार हो तो पाया पर्याय विषय तप न किया तो आगे करें। सो अनंतानंद काल भय भी मनुष्य पर्याय पावना दुर्लभ है। बहुरी देववत यहां सुख होई तो सुख को छोड़ी तप करना कठिन हो है। भाई देव के समान यदि यहां भी विषयों की प्रचुरता हो, बिल्कुल समझ लो अपने को कोई बुढ़ापा नहीं आए, रोग नहीं हो, कमाना ही नहीं पड़े, कोई मेहनत नहीं करना पड़े तो विषय छोड़कर तप करना कठिन है। क्या मतलब, बिल्कुल जैसे अपन हवा में अभी अपने को कुछ घूमने जाना तो अपन हवा में उड़ते हुए एकदम समझ लो अमेरिका पहुंच गए, हवा में उड़ते उड़ते और उड़ते उड़ते बिना कोई टिकट लगे और आराम से घूमती है, भूख लगनी नहीं है क्योंकि हमारे कंठ से अमृत झड़ जाता है। क्या तो बस जहां मन में इच्छा है विक्रिया करी और चले गए और वहां देख के और फिर से यहाँ आ गए, कोई रोग नहीं, कोई मानसिक कोई पीड़ा नहीं। मतलब मानसिक पीड़ा मतलब सॉरी
रोग नहीं, कोई कोई कमाने के विकल्प नहीं, आजीविका संबंधी कोई विकल्प नहीं और भोजन संबंधी कोई विकल्प कुछ नहीं करना है, तो ऐसी चीज को छोड़ना मुश्किल है। देवों के सुख यदि आज अपने को प्राप्त हो जाए ना तो अपने से छूटे क्या, अभी समझ लो एक घंटे आपको कोई रिद्धि दे रहा हो कि मैं आपको अणिमा महिमा रिद्धि देता हूँ, तो अपन क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे कि एक घंटे यहाँ तो ही नहीं आएंगे। यदि अपने को ये कोई रिद्धि दे दे एक घंटे, अपने को ये कोई बताए कि मैं तुम्हारे को आकाश में उड़ता बताता हूँ, तो लोग प्रवचन सुन जाएंगे मेरे, कोई नहीं आएगा। यदि आकाश में उड़ने की रिद्धि मिल रही हो तो यहाँ क्या करेगा आदमी आके बताओ। किसी को ये प्राप्त हो गए कि इस लाइट को चालू कर देना, तीन फटके उधर नीचे वाले तीनों तीनों, कोई अपने को ये बताया अभी कि भाई अपने शरीर को बड़ा कैसे बना ले, क्या हल्का कैसे बना ले, भारी कैसे बना ले। अरे अपन जो कुछ खाने में ले वे है, मीठा नहीं हो तो भी मीठा लगे, अपना समान भोजन पड़ जाए, बिना दुग्ध घी के भी दुग्ध घी व्रत पड़ जाए, ऐसी चीज किसको नहीं पसंद होगी बताओ। तो देवों के विषयों की रुचि तो ठीक है, विद्या वगैरह इतनी है कि वो उनका उपयोग करने में लगे रहते हैं। अच्छा मनुष्यों को भी जिनकी विद्धि खूब है, जैसे जिनको खूब विषयों की प्रचुर सामग्री है, भयंकर समझ लो कि पुण्य का उदय किसी के और उसके खूब सामग्री मौजूद है, तो वो आदमी अपने हितायत का विवेक हितायत का विचार करने से ही वो शून्य है, उसको हितायत का विचार करने का अवसर ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा हित क्या है, अहित क्या है, मतलब इसमें ये जो विषय सुखों को भोगने की मैं इतनी आसक्ति कर रहा हूँ, क्या ये वास्तव में इससे मेरा हित होगा कि नहीं होगा, कि और विषयों की तृष्णा बढ़ेगी, मतलब ये सब बातों का विचार करने का उसके पास में समय ही नहीं है। क्या अपन खुद ही सोच कि अपने को यदि रिद्धियां मिल जाए देवों जैसी तो हम उन रिद्धियों का उपयोग करके हम घूमेंगे फिरेंगे, अपने को तो एक ताजमहल देखना है तो उसके लिए रिजर्वेशन कराना बड़ी मुश्किल से, तत्काल में लग के कराना है, उसके लिए घर से कितना सारा सामान बांधना, पैक करना, सारी व्यवस्थाएं करना, वहां जाके होटल की व्यवस्था करना या किसी धर्मशाला में जा भी लेना उसको जो, और वहाँ सारी व्यवस्थाएं करना, भोजन की व्यवस्था करना, वो करना, और कितनी सी देर क्या मिलेगा देखने को, ताज 5 मिनट देखा हो गया काम, अरे वो इतने से चक्कर में अपने को कितनी आकुलताएं लेनी पड़ती है बताओ। एक एक का विचार करना पड़ता है कि एक एक चीज का, सूट के बांध के ले जाना हो कहीं भी जाना हो तो आप देख रहे कितने विकल्प होते हैं, एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सब कुछ ले गए और पंजीयन की ब्रश ही नहीं ले गए, और जंगल में गए वो ब्रश मिलता ही नहीं बताओ क्या करेंगे, उंगली पता चला मंजन भी नहीं लगे, नमक नमक भी नहीं लगे, दाने की तौलिया नहीं लगे, दाने चले गए चोरल पर तौलिया लाने भूल गए, कपड़े ही लाए, अब क्या करें भैया, पानी देखता लगा इतनी आकुलता है, है? संकल्प विकल्प कितने, हमारा एक परिचित है बोले मैं सबसे पहली मूवी आई सबसे पहला शो देखने गया, इतनी आकुलता देखने की चला गया, अब गया तो पता चला कि मैं जेब में वॉलेट लाना भूल गया, अब वॉलेट भी नहीं है फोन भी नहीं, पेमेंट कैसे करें, तो उसको बोले कि मैं बहुत अच्छे से पैसे है और मैं आपको आके दे दूंगा, तो बोले भैया टिकट एक बार तुमने देख ली मूवी उसके बाद मैं तेरा क्या बिगाड़ लूंगा, तुम नहीं देगा पता मूवी तो देख ली तूने, अब क्या कर लेगा, तेरी आंखें तो ही फोड़ ले, क्या कर सकते हैं, कोई चीज हो तो जाके हड़प के ले आए, तेरा एड्रेस भी तुम दे दे, और एड्रेस तो तुमसे बार बार कहे मैं नहीं दे सकता तो हम कर क्या लेंगे, तो उसने साफ मना कर दिया, बोले यहाँ चीज हम जो है ना हम कोई सर्विस दे रहे हैं कोई चीज तो उसका भोग होता है, तो वो भोग तो हो गया,
हो गया, उसके बाद हम पैसे हमारे पास देने की कोई ताकत ही नहीं, कोई सामग्री कभी कोई देवेगा वो सामग्री आपकी दुकान से उठा के ला सकता है, ये हम क्या ले आएंगे आपके पास। बहुत दिनों से इसका वेट कर रहा क्या पहला शो देखो कल देखो। अब घर वालों से कह रहे फोन लगावे ये सब करे, घर वाले ने झिड़क दिया क्या है पिक्चर देखने के तुम्हारे को पैसे दे रहे हैं आपको है। अल्टीमेटली झक मार के उसको फिर भी विरक्त नहीं होता, होता विरक्त बोलो मतलब मैं कह रहा मेरे कहने का मतलब है कि अपने को यहाँ मनुष्य पर्याय में एक एक विषय भोगने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, देवों को तो सुलभ है, तो इसलिए मनुष्य पर्याय में भी यदि विषयों की प्रचुरता होती तो विषयों को छोड़ के तप करना कठिन होता। सो यहाँ शारीरिक मानसिक दुख की मुक्तता है या सुख है का, या तो बहुत घोर आए दिन रोग है मानसिक समस्याएं है, दुख को छोड़ी तप करने विषय खेत का बताओ अपने को क्या छोड़ना पड़ेगा। अपने को अभी यदि कोई तप करने के लिए कह भी रहे तो हम तप करने के लिए वो कह रहे हैं कि यहाँ कौन सा तेरे को बहुत सुख मिल रहा है कि जिसकी वजह से तेरे को तप करने में खेद हो रहा है। अरे जो आकुलता है घर संबंधी आकुलता व्याकुलता उसको छोड़ के वो तप करने में क्या खेद है, तो कौन सा घर में बहुत सुख भोग रहा है जो यदि उस घर के सुख को छोड़कर यदि तपस्या भी धारण कर लेगा तो उसमें खेद किस बात का, क्यों क्योंकि तेरा कोई विशेष सुख नहीं है। आज के आदमी यदि पंचेंद्रिय के विषय सुख छोड़ दे तो उसमें आश्चर्य क्या है, बल्कि मैं कहता हूँ उसको खेद भी किस बात का, क्योंकि वो तो यूं भी जिंदगी मतलब अपने घर गृहस्थी में तो वो यूं भी खूब महा क्लेश और महान परिश्रय सहता रहता है, इसलिए उन परिश्रयों को सहने की अपेक्षा ये भाई इस परिश्रय तो कोई वस्तु ही नहीं। बहुरी जो मनुष्य का सुंदर शरीर हो तो ताके बिगाड़ने का भय कि यार शरीर सुंदर है अपन तपादर तप करेंगे तो शरीर बिगड़ जाएगा। सो धातु धातु भी करी निव्या महा अपवित्र या को तप पीछे लगाने का भय का बताओ, इसको तप में लगाने का क्या डर है, कोई तेरा शरीर को ऐसा सुंदर तो नहीं देवताओं जैसे तू एक दिन उपवास नहीं करेगा उपवास करेगा तो सब मेरे शरीर में क्या होगा कांति चली जाएगी रौनक चली जाएगी, कुछ नहीं है तेरे शरीर में रौनक है का जो आ जाएगी इससे तप कर नहीं करेगा और तू भी खाने से आ जाए ऐसा तो कुछ तेरा शरीर नहीं, तेरा शरीर तो यूं भी एकदम अलू कुरु मनुष्य का शरीर तथ्य तो यू भी है ही नहीं असुंदर है, तो इसलिए ऐसे तू तब से चिंता क्यों करता है कि मेरे शरीर का कांति बिगड़ जाएगी, अरे तेरे शरीर में तो कांति यू ही नहीं है। बहुरी देववत मरण का निश्चय हो तो कितने काल तो निश्चित रही है पीछे तब करी, जैसे मेरे को मालूम हो कि हाँ मैं 2050 में मरने वाला हूँ तो ठीक है 40 तक मैंने काम कर लिया 40 के बाद तप करने की सोचू, लेकिन मेरे मरने का तो कोई ठिकाना नहीं, हो सकता है कि मैं सोचता ही रह जाऊं कि मुझे तप करना है तप करना है तप करना है तो कल ही मेरा मरण। सो मनुष्य के मरने का निश्चय नहीं कब मरे। बौड़ी जी उत्कृष्ट भी आयु बहुत हो तो मेरा उत्कृष्ट भी आयु होगा, उत्कृष्ट भी आयु यदि बहुत हो समझना इस भाव में अपनी कोई भी एकाधवी व्यक्ति जीता हो 200 साल 500 साल तो अपन भी मान ले कि भाई यदि एक जी सकता है 500 साल तो मैं भी जी सकता हूँ, मतलब इस पंचम काल में से जीवों की आयु उत्कृष्ट भी आयु अच्छी हो लंबी तो भी हम ये भ्रम में हम ये अपने आप को मान सकते हैं कि मेरी भी उत्कृष्ट आयु है, समझ लो इस संसार में एक भी आदमी 120 साल जी रहा हो 150 साल जी रहा हो तो कोई आदमी उस एक के भ्रम से अपने आप की भी मान सकता है कि मेरी भी 150 उम्र आयु हो सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक भी आदमी 150 वाला यहाँ पे नहीं है, तो उत्कृष्ट आयु भी जब किसी की इतनी नहीं है उत्कृष्ट आयु भी जब यहाँ अल्प है तो तू ये भी मान ले कि तेरे को आयु उत्कृष्ट मिली है तो भी वो भी तो अल्प है, मतलब तेरे पास दिन नहीं ज्यादा जो तू कह रहा है कि मैं तब कर लूंगा कब करेगा, तेरे पास दिन है क्या जो तू तब करने की बात आगे पे डाल रहा। बौरी जो उत्कृष्ट भी आयु बहुत हुई तो मेरा उत्कृष्ट आयु होगा ऐसा भ्रम करी ढील करिए सो उत्कृष्ट आयु भी थोड़ा ताते मुझको प्रमादी न होना पर सावधान होई तप ही करना योग्य है।
अब आगे क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना अच्छा समझा, एक एक तर्क दिया उन्होंने, दुर्लभ है, इसलिए ये बस सोच के बार बार मिल जाए कि मनुष्य पर्याय तप अगले भाव में कर लेगा, और दुर्लभ के अलावा और कैसा है, अशुद्ध है, ये भी एक देवताओं जैसा शुद्ध शरीर हो तो इसके बिगड़ने का खेद, और सुख से रहित है, यहाँ कोई इतनी विषय सुख नहीं देव जैसे, इसलिए यहाँ कोई ऐसा सुख को छोड़ना भी तेरे को मतलब तेरे लिए कोई विशेष सुख को भी छोड़ना की बात नहीं है, क्योंकि तेरे सुख है ही नहीं यहाँ छोड़ना, और अविदित मृत्यु तेरे तेरे जीवन का भी कोई ठिकाना नहीं, देव के तो फिर भी ठिकाना है कि हमारी आयु बीच में नहीं जाएगी, लेकिन तेरे तो कोई ठिकाना नहीं, तो कभी भी चले जाए ऊपर, और परम आयु भी यदि तुझे अपने आप को उत्कृष्ट आयु वाला भी मान ले, उत्कृष्ट आयु भी इस काल में बहुत थोड़ी है, ऐसा सब विचार करके तू इसको अपने ही उद्यम करना ताते मुझको प्रमादी न होना, सावधान हो ही तप नहीं करना योग्य है। अब आगे क्या कहते थे, आगे कहा 12 प्रकार तप से मुक्ति का निकट साधन ध्यान रूप तप, क्या कह रहे हैं 12 प्रकार के तप में जो मुक्ति का जो साधन है, मुक्ति के मुक्ति का जो निकट साधन है, मतलब निकट साधन मतलब जो मुक्ति की साधना अतिशीघ्र करा दे, या जो मुक्ति के बिल्कुल मुक्ति का एकदम उत्कृष्ट कारण है, निकट साधन मतलब जो उसके मुक्ति का निकट का साधन है, ऐसा कौन तप है, ध्यान रूपी तप है, ताका ध्येय, ध्यान रूपी तप के अंदर दो तीन बातें कहेंगे, ध्यान रूपी तप में ध्येय क्या होना चाहिए, ध्यान का फल क्या है, आदि इन सब बातों को दिखावता समता सूत्र कहे, आराध्यो भगवान जगत्रय गुरु प्रत्येष्वताम सम्मता क्लेशस्तच्चरण स्मृति क्षतिरपि प्रक्षय प्रक्षय कर्मणा साध्यं सेति सुखं कियान् परिमितः कालो मनः साधनं सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विदुरं किं वा समाभूधा। आराध्यो भगवान, कैसे भगवान, भगवान आराध्य मने आराधना कर, इनकी आराधना कर, किनकी आराधना कर, भगवान जिनेन्द्र की, कैसे, जो कि जगत त्रय गुरु वृत्ति, जिनकी वृत्ति कैसी है, जगत त्रय, जगत त्रय, त्रय जगत माने तीन जगत, तो तीन जगत कौन से, ऊर्ध्व मध्य वृद्धो, तो ऐसे तीन जगत के गुरु वृत्ति, जिन्होंने गुरु वृत्ति को धारण किया हुआ है, सताम सम्मता, सताम माने सज्जनों को जो सम्मत है, क्लेश क्लेशा तत्चरण स्मृति, तत्चरण स्मृति माने उनके चरणों का स्मरण करना, क्लेशा इतना क्लेश, इतना सा क्लेश है तेरे को उनके चरणों की स्मृति करना, इतना क्लेश, क्षति अपि प्रक्षय कर्मणा, और कर्मों का प्रप्रक्षय, प्रप्रक्षय मतलब प्रकर्ष पने से क्षय होना, साध्यम सिद्धि सुखम, सिद्धि मतलब मोक्ष, मोक्ष सुख साधना, मोक्ष सुख साध्य ना, और कियान परिमिता, कियान परिमिता मतलब कितना प्रमाण, कालो मन साधनम, कितने काल में मन का साधन करना है, सम्यक चेतसी, सम्यक प्रकार से चेत से मैंने चित्त में चिंतन, तो मैंने चिंतन करो, किम वा समाधो बुधे विदुरम, किम वा समाधो बुधे विदुरम, किम वा समाधो बुधे, मैंने हे बुद्धिमान समाधि में ऐसा कौन सा कष्ट है बताओ, किम वा समाधो, समाधि में कौन सा कष्ट है तो बताओ जरा, देखो मैं पढ़ता हूँ अच्छे समझ जाए, थोड़ा बताया हुआ समाधि विषय तीन जगत का गुरु भगवान, सो तो आराधना और संतनी करी सलाई ऐसी प्रवृत्ति करना, और तिस भगवान का चरण का स्मरण करना, इतना क्लेश,
भौरी कर्म का प्रकर्ष बने नाश होना यह फर्ज, और मोक्ष सुख साधने का फल, और काल कितना परिमाण लिए थोड़ा, और मन का साधन करना। हे ज्ञानी हो तुम नीके मन विषय विचार करो, समाधि विषय कहाँ पर। कितनी बढ़िया बात लिखी, समझ में ही है लेकिन देखो पढ़ो इसको एक बार में। वे कह रहे हैं कि तुमको समाधि में क्या क्या तकलीफ है लिख के बताओ। समाधि धारण करने में, समाधि का मतलब ये नहीं है कि समाधि में मनन करना, समाधि का मतलब है कि समता भाव में स्थित होना, अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति करना, ये सब समाधि है। तो कह रहे हैं समाधि में, समाधि के अंदर क्या क्या कष्ट है, क्या क्या करना पड़ेगा समाधि में, कि तीन जगत के गुरु भगवान सो तो आराधना, उनकी आराधना करनी, और संतनी करी सराई ऐसी प्रवृत्ति करना, जो संतों के द्वारा भी जो प्रवृत्ति सराई जाती है ऐसी प्रवृत्ति करना, अर्थात भगवान के चरण का स्मरण करना। इतना ही क्लेश है ना, और क्या क्या क्लेश है, इतना ही क्लेश है। अब क्लेश तो इतना है, अब इसके बदले में जिस क्लेश, इतने क्लेश के बदले में जो चीज मिलेगी वो भी सुन। भौरी कर्मणि का प्रकर्ष बने नाश होना, खर्च तेरा क्या हुआ, कर्म नाश हो रहा है, कितना बड़ा फल मिल रहा है, कर्मों का प्रकर्ष पर नाश होना एक खर्च, और मोक्ष सुख साधने का फल। मोक्ष सुख साधेगा तुमने, मोक्ष सुख को साधने का फल प्राप्त होगा, मोक्ष के मोक्ष का सुख तुझसे सदेगा। क्या यूं कहे तेरे को इसके फल में क्या प्राप्ति होगी, मुक्ति रूपी सुख की प्राप्ति होगी। और काल कितना लगेगा साहब, आप जो कह रहे हो ना, कहते ना लोग कितना टाइम कितना लगेगा, रिजल्ट कितने दिन में आएगा, कि काल कितना परिमाण लिए थोड़ा, और मन का साधन करना। हे ज्ञानी हो तुम नीचे पर विषय विचार करो, समाधि विषय क्या कष्ट है, तुम विचार कर लो ये सब बातों में कि समाधि में कौन सा बहुत बड़ा कष्ट है, क्या करने का कह रहे हैं हम समाधि में। तीन जगत के गुरु भगवान का स्मरण करना है, और भगवान के चरणों का स्मरण करना, इतना ही क्लेश है, इतने क्लेश है। मतलब भगवान जितेंद्र के चरणों का स्मरण और उनके तीन जगत के गुरु भगवान की आराधना करना, आराध्य हो गए उनकी आराधना करना, उनके गुरु की आराधना करना और भगवान के चरणों का स्मरण करना, इतने क्लेश है। तो इतना तो वो क्लेश, और कर्मों का प्रकर्ष पर नाश होना एक खर्च, खर्च के नाम पे तेरा खर्च हो रहा समझ लो, ठीक है, क्या नाश हो रहा है, कर्म खर्च हो रहे हैं, कर्म नष्ट हो रहे हैं। और मोक्ष सुख साधने का फल, इसका फल क्या मिलेगा तेरे को, ये सब समाधि करेगा तो इसका फल क्या मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति, वो कितने काल में मिलेगा, काल एक परिमाण, कितना परिमाण लिए थोड़ा, और मन का साधन करना। हे ज्ञानी हो तुम नीचे मन विषय विचार करो, कि समाधि विषय का कष्ट, कितनी बढ़िया बात है, तुम खुद विचार करो ये सब बातों का, समाधि में क्या 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 कष्ट हो जाएगा, तुमको समाधि धारण करोगे, समझ लो तुम तो अपनी रिक्शा भी धारण करना, तो क्या क्या करना पड़ेगा जिससे तुमको लगता बहुत कष्ट, क्या करना पड़ेगा कि साहब सुबह सुबह उठ के 4 बजे से लेके 8 बजे तक जो है स्त्रोत पढ़ने पड़ेंगे भगवान, अरे भगवान की तो स्त्रोत पढ़वा रहे फिर से, भगवान की तो गुणगान करवा रहे हैं, साहब शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, तो शास्त्र भी तो तेरे को तेरे ज्ञान के लिए, तेरे कुछ प्राप्ति के लिए शास्त्र पढ़वा रहे ना, तू एक एक काम का विचार कर, उसमें तेरे को समझ में आएगा कि इसमें क्लेश काय का है, और तू ये जितने भी काम कर रहा है लौकिक, इसमें विचार करने की इसके अंदर क्लेश के अलावा और कुछ है ही नहीं। यही भावार्थ, कोई जानेगा तब किसे कष्ट, कोई समझेगा कि तब में तो बहुत कष्ट है, और कष्ट सहा जाता नहीं, ताको कहिए सर्व तपनी विषय उत्कृष्ट तब ध्यान है, किसी विषय का कष्ट है सो तुक्का। अब तू ये बता कि सबसे बढ़िया तप कौन सा है, ध्यान, तो हम उसकी बात करते हैं, तो अब ध्यान में कौन सा कष्ट तुक्के बता, हम लोग ध्यान करने में तेरे क्या कष्ट होते हैं, तो कष्ट बताता देखो। प्रथम तो नीचे का सेवन करते लज्जा दिख का खेद हो, अपने से निम्न पुरुष की सेवा करना पड़े, अपने से हीन पुरुष की, अपने को किसी की पराधीनता में रहना पड़े, तो अपने को खेद हो। सो तो ध्यान विषय तीन लोक का नाथ
अनंत आदि वह तीन लोक का ज्ञायक आत्मा सकारात्मक चित्त में तेरे को लेना होगा तो किसको लेने की बात कर रहे हैं, भगवान को चित्त में लेना है ना, या अपने निर्ज्ञायक स्वभाव चित्त में लेना है, तो इसमें क्या कष्ट है। जिनकी पर्याय प्रकट हुई, जिनकी पर्याय में केवल ज्ञान अनंत दर्शन ज्ञान वैभव प्रकट हुआ, उनको याद करने में क्या दिक्कत। अपने को ये चीज अभी अब होमवर्क दिया जाए कि 5 मिनट तक आप बिल गेट्स की संपत्ति का चिंतन करो, क्योंकि बहुत बड़ा काम है आनंद की वस्तु में लोगों के। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि यदि तेरे को आत्मा के वैभव का विचार करने के लिए दिया है, अथवा जिनका पर्याय में वैभव प्रकट हो गया है उनका विचार करने के लिए बात कही है, तो इसमें कौन सा कष्ट है? है? नीचे का सेवन करो अपने से निम्न पुरुष का, तो कष्ट है, इसमें क्या कष्ट है। सो तो ध्यान विषय तीन लोक का नाथ अनंतादि को तीन लोक का गायक आत्मता का आराधन करना, और ये जो आपको नीच कार्य करना पड़े तो खेद होए, अपने को छोटा काम करना पड़े तो खेद होए। जिस व्यक्ति को महत पुरुष भी प्रशंस है, जिस व्यक्ति को महत पुरुष भी प्रशंस है, क्या कह रहे हैं, अरे जिस व्यक्ति को महत पुरुष माने महान पुरुष भी जिस व्यक्ति की प्रशंसा करे, ऐसी व्यक्ति अंगीकार करनी, और बहुरी आराधना ऐसी व्यक्ति अंगीकार करने के लिए कह रहे ना, कोई भी पद तेरे को धारण करने के लिए कह रहे थे, तुम चार तो सही वो पद तो बड़े बड़े महापुरुषों ने धारण किया है, मुनि दशा है, मुनि मुनि लिंग, तो मुनि लिंग धारण करने का तुझे क्या कष्ट, बड़े बड़े महापुरुषों ने धारण किया उस वेश, तो उसमें कष्ट किस बात का है। बहुरी आराधना विषय जो क्लेश हो तो खेद उपजे, आत्मा की आराधना करने में कोई क्लेश हो तो खेद उपजे। सो सेवन कर इतना, सो सेवन इतना ही भगवान आत्मा का चरण व आचरण ताका स्मरण करना, भगवान आत्मा का क्या करना, आचरण भगवान आत्मा के स्वरूप का स्मरण करना। बौड़ी साधन करते किचु अपना जाता हो तो भी दुख, सो जाका नाश किया चाहिए ऐसा कर्म ताई का नाश हो, यदि समझ लो अपनी कोई चीज नाश हो ना, अपना कुछ खर्च हो मेरे को दुख होता है, लेकिन मोक्ष में अपना क्या जा रहा है, सब कर्म जा रहे हैं, तो अरे कर्म अपने हैं कहाँ, अपने जो पराधीनता के कारण है वो जा रहे हैं, इसलिए उसमें खर्च क्या है जिसके लिए दुखी होता है कि मेरे को मोक्ष का साधन नहीं करना, क्या मतलब तो तेरा क्या जाए, जैसे बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो अपन कहते ना कि तेरा नुकसान क्या हो जाएगा पढ़ लेगा, ऐसे जीव को समझा रहे बच्चा तो है नहीं अब, कि भाई तेरा ऐसे आत्मा की आराधना करने से तेरा क्या नुकसान हो जाएगा। बहुरी साधन करते कि चू अपना जाता हो तो भी दुख हो, सो जाका नाश किया चाहिए ऐसा कर्म ताई का नाश हो, भाई तू जिसका नाश करना चाहता है उसके नाश होता है ना, ये धर्म करने से। तो बहुरी जो साधन का तुच्छ फल होए, सॉरी जिस कर्म का नाश करना के चाहते जिसको खर्च करना चाहते हो उसी का ही खर्च हो रहा है ना, तेरा क्या खर्च हो रहा है। बौड़ी जो साधन का तुच्छ फल हो तो किसी कार्यकारी नहीं, सो ध्यान का फल तो सर्वोत्कृष्ट मोह, समझ लो अपन कोई धर्म का ध्यान पाल रहे हो उसमें कुछ भी अपने को सिद्धि नहीं हो तो वो करने में अपने को खेद होक नहीं हो, फिर वो कह रहे हैं कि जिस तप को हम बता रहे हैं उस तप में भी उत्कृष्ट ध्यान, तो उसका कोई छोटा मोटा फल नहीं है, उसका फल तो क्या है, मुक्ति की प्राप्ति है। बहुरी बहुत काल पर्यंत साधन करना हो ता भी खेद उपजे, बहुत समय तक करना पड़े तो भी खेद उपजे, सो थोड़े काल ध्यान की फल पाई, ध्यान का फल तो ध्यान को अंतर बोलते सच्चा कर ले, उसका फल क्या है, केवल ज्ञान, साक्षात केवल ज्ञान, मोक्ष तो बाद में होगा। बहुरी अगर थोड़ी साधन की पाई है, बौरी जो साधन पराधीन हो तो भी खेद हो, मतलब पराधीन हो कोई साधन धर्म करने का क्या मुक्ति प्राप्त करने का सुखी होने का तो भी खेद हो, सो अपने मन ही का साधन करना पराधीन का है, तो मन कोई साधना है अन्य का किसी को साधना, अन्य विचार से छुड़ाए भगवत विषय लगाओ,
है, अन्य विचार छुड़ाए, क्या कह रहे हैं, अन्य विचार को छुड़ाए भगवत पीछे लगाओ ना। सो ऐसा ध्यान रूप तप इस विषय खेत का कोई विचार, परंतु अंशुल आदि तप से कष्ट है क्या, परंतु जो साधन पलाधीन उनको भी खेद है, अपने मनी का साधन करना, अन्य विचार को छुड़ाए भगवंत ने विषय लगाओ ना। सो ऐसा ध्यान रूप तप इस विषय खेत का, पता इतनी सब बातें कही अपने इसमें खेत मेरे को दिखाए एक बात का। सो तू विचार तप करने विषय अनादर मती करे, को कहेगा ध्यान विषय तो कष्ट नहीं, परंतु अंशन आदि तप विषय तो कष्ट है। ताका उत्तर, अंशन आदि तप विषय कष्ट तब हो जब आप न किया चाहे, मैं तो उपवास नहीं करना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ, तो मेरे को अंशन आदि तप करने में कष्ट लगेगा। सो यहाँ तो जैसा अपना परिणाम प्रमादित न हो और क्लेश रूप भी न हो, जैसे ध्यान की सिद्धि की आर्थिक चाह करी अंशन आदि करिए, ताते यहाँ भी कष्ट न हो। ठीक है, इतने ही रखते हैं। तो प्रश्न तो पूछ लीजिए किसी का। चलिए, जवानी के ज्ञान ते सुजे लो कालो सुवन तक सदा में तुम।